बिहार का सियासी संग्राम बारूद के ऐसे कनस्तर पर टिका है जहां कभी भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है। नीतीश कुमार ने भले ही आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन अब भी बिहार में सियासी हलचल थमी नहीं है, क्योंकि नीतीश की असली अग्नि परीक्षा होनी अभी बाकी है। बिहार में अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, यानी बिहार में खेला होना अभी बाकी है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इन सियासी उहापोह के बीच तेजस्वी यादव भी काफी एक्टिव हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राजद के सभी विधायकों को आनन फानन में पटना बुला लिया है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन के लिए खास रणनीति में जुट गए हैं। वहीं आरजेडी विधायक ललित यादव ने इशारा किया कि 12 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होगा क्या? चलिए पार्टी के प्रवक्ता लोग बताएंगे। नहीं नहीं, आप वरिष्ठ नेता आरजेडी के क्या लगता है 12 तारीख को? 12 तारीख का क्या होगा? अब देखिए सब सामने में आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग अरे आप लोगों से जायदे हम लोगों को जानकारी थोड़े है। आरजेडी के साथ ही उसके सहयोगी दल कांग्रेस भी एक्टिव है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से बचा जा सके। विधायकों के खेल का खतरा सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को ही नहीं है, सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू को भी है। तभी तो ट्रेनिंग कैंप के बहाने बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को गया में रखा है, जो 12 फरवरी तक वहीं रहेंगे। वहीं नीतीश भी अपने विधायकों के साथ लगातार संपर्क में है और एकजुटता की दावा कर रहे हैं। चलिए आपको बिहार के सीटों का समीकरण एक बार फिर समझा दे। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है और बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल नीतीश सरकार आंकड़ों में बहुमत पार दिख रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी, जेडीयू और हम को मिलाकर एनडीए के पास 128 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले जोड़ तोड़ की सियासत को लेकर बिहार की सियासी हवा गर्म है। सूत्रों का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी इशारा कर चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट में कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी नीतीश सरकार से नाराज नजर आए थे, जिसके बाद लालू की पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। ऐसे में 12 फरवरी को कुछ भी संभव है।